हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप CUET के थ्रू बीटेक कोर्स में कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, मतलब किस किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बीटेक के कोर्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरे अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे आपका कितना फीस लग रहा होता है, कितना प्लेसमेंट होता है वहाँ पे, और साथ ही वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन सा कॉलेज आपके लिए वर्थ इट रहेगा। और हमने इस टॉपिक के ऊपर और दो वीडियो बना रखी है, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का है और दूसरा आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वहाँ पे आपके लिए बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं है, कितनी आपको प्लेसमेंट मिल रही होती है। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो, यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो इन कॉलेजेस में CUET के थ्रू बीटेक कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो आओ यार वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला हमारा जो कॉलेज है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है, ये आपका टॉप क्लास का यूनिवर्सिटी है। इसका जो मेन कैंपस है वो 1370 एकड़ का है। 1916 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, तो मतलब 100 साल से भी ऊपर इस कॉलेज को हो चुका है। तो आप सोच सकते हो यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क काफी तगड़ा होगा। और वहीं अगर निर्फ रैंकिंग की बात करें यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो इसका निर्फ रैंकिंग 3 है। इस कॉलेज के ऊपर रिव्यू आपको कई सारे मिल जाएंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज का वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। लाइक BHU के ऊपर, DU के ऊपर, CUET के थ्रू कैसे मतलब एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस है, तो उस तरह के वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ना तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर आप सबके लिए बोरिंग हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे जो बीटेक कोर्स में आपको एडमिशन मिलेंगे, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बाकी जो भी इसके यार बीटेक के कोर्सेज है ना उसके लिए आपको JEE एडवांस क्लियर करना होगा, तभी आप एडमिशन ले सकते हो बाकी कोर्स में। यहाँ पे एडमिशन के लिए CUET का एंट्रेंस सारे कॉलेज के लिए जरूरी है, मतलब जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो CUET का जो सेक्शन 2 है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये आपकी कंपलसरी है एडमिशन के लिए। और साथ ही साथ आपका 12th में 50% के आसपास मार्क होना चाहिए। BHU यूनिवर्सिटी की फीस की बात करें तो अराउंड ये 1-2 लाख का होने वाला आपका पूरा टोटल 4 साल का। कुछ एग्जैक्ट मालूम नहीं है, ठीक है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ की जो मीडियन पैकेज है BHU यूनिवर्सिटी की, तो वो 6-6.5 लाख पर एनम का है। अब मीडियन पैकेज ये होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट को उस तरह का पैकेज मिल रहा है, 5 या 6, 7, 8, ठीक है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो हमारा कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। इसकी निर्फ रैंकिंग 12 है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ये कॉलेज आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी का 2 कैंपस है, एक साउथ कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस है। एस्टेब्लिश 1922 में हुआ था, तो इसको भी 100 साल हो चुका है। यहाँ के फीस की बात करें तो 5000 पर सेमेस्टर आपका फीस लगने वाला है बीटेक कोर्स में। प्लेसमेंट यहाँ की काफी अच्छी प्लेसमेंट है, तो इन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। एक आपका BHU हो गया और एक आपका DU हो गया, तो यहाँ पे तो आप एडमिशन ले ही सकते हो, ठीक है। ये आपका टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए एडमिशन के लिए। बाकी आपका मार्क्स एंड आपका रैंक डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो हमारा कॉलेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, ये 488 एकड़ का पूरा कैंपस है। 2009 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, तो कॉलेज आपका ज्यादा पुराना नहीं है। यहाँ की जो फीस है 65,000 पर ईयर आपका लगने वाला है, और उसके बाद जैसे आपका फर्स्ट ईयर में 65,000 लगा, तो उसके बाद से सेकंड थर्ड ईयर में आपका 60,000 ही लगेगा। यहाँ की जो ज्यादातर पैकेज है वो 2-3 लाख पर एनम का ही होता है, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो ठीक ठाक है, जितना आपका फीस है उसके आसपास ही प्लेसमेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपसे ज्यादा फीस लिया जा रहा है और आपको कम प्लेसमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ की CS की जो सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट थी वो 12 लाख पर एनम की थी, इलेक्ट्रिकल का 8 लाख पर एनम का, सिविल का 4 लाख पर एनम का, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी इसका भी 4.5 लाख पर एनम के आसपास ही था। इस लिस्ट का जो नेक्स्ट कॉलेज है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है। 2009 में ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था। फिलहाल जो इसका मेन कैंपस है वो 45 एकड़, बाकी इसका नया कैंपस जो अलॉट हुआ है वो 500 एकड़ के अराउंड है, तो वो अभी कंस्ट्रक्शन में ही है। यहाँ की टोटल फीस जो आपको 4 साल में लगने वाली 6 लाख के अराउंड है। और यहाँ की जो प्लेसमेंट की बात अगर करें तो यहाँ पे ज्यादातर MBA वालों की ही प्लेसमेंट होती है, बीटेक वालों की उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती। प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है, श्योर नहीं हो कि आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगी। यहाँ पे जो आपको कोर्सेज मिलेंगे वो इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक के मिलेंगे, ठीक है, 5 साल के कोर्स मिलेंगे। तो पहला जो कोर्स है वो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, सेकंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन के साथ कोर्स हो रहा होगा, एंड लास्ट है सिविल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका स्पेशलाइजेशन के साथ कोर्स
किया जा रहा होगा। यहाँ पे भी सीयूईटी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रिक्वायर्ड है और साथ ही आपका 10+2 में 45% होना चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका 40% ही चाहिए। इस लिस्ट का जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका। 2009 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। 654 एकड़ का पूरा कैंपस है। यहाँ का जो टोटल फीस है वो 25,000 से 26,000 पर ईयर का आपको लगने वाला है, तो काफी कम फीस है यहाँ का। हॉस्टल एंड मेस का भी मिला के 25,000-25,000 के आसपास आपको पर ईयर पढ़ने वाला है। बाकी और भी कई सारे फीस है यहाँ पे। जो आपको बीटेक में कोर्सेज मिलेंगे इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसका एवरेज पैकेज 3.5 लाख पर एनम का है। एंड दूसरा जो कोर्स है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, जहाँ की एवरेज पैकेज वो 4 लाख पर एनम का है। तो एवरेज पैकेज से ये अंदाजा मत लगाना कि आपको इतना प्लेसमेंट ही मिलेगा, ठीक है। एवे 12th में आपको 50% मार्क्स चाहिए, अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से तो 45% चाहिए। यहाँ पे जो आपका एडमिशन होता है ना, जेई मेंस के थ्रू भी होता है, तो 50% सीट जेई वालों के लिए और 50% सीट सीयूईटी वालों के लिए। इस लिस्ट का जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है हेमवती नंदिनी बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज आपका उत्तराखंड में है। 1973 में यह कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था। 12,000 के अराउंड आपका पर सेमेस्टर फीस होने वाला है यहाँ का। एंड आपका एग्जामिनेशन अदर फीस वो भी एक्स्ट्रा होता है, तो उसका अलग से पे करना होगा। की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, मतलब समझ लो गिने चुने लोगों की ही होती है। 10+2 में आपके 45% मार्क्स चाहिए यहाँ पे एडमिशन के लिए। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तो 40% ही चाहिए। और सीयूईटी एग्जाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और यहाँ पे लेटरल एंट्री के थ्रू भी एडमिशन होता है। यहाँ पे जो आपको कोर्सेज मिलेंगे ना वो बीटेक के कंप्यूटर साइंस के मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस लिस्ट का जो नेक्स्ट कॉलेज है वो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है। बिहार में यार दो कॉलेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, एक तो गया में है और दूसरा ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये मोतिहारी में है। 300 एकड़ के अराउंड इसका पूरा कैंपस है, जो कि अभी डेवलपिंग फेज में ही है, मतलब कैंपस अभी बन ही रहा है इसका, क्योंकि ये 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ की जो ट्यूशन फीस है पर ईयर की वो 30,000 के अराउंड है, और जो हॉस्टल वगैरह का फीस है वो 9,000 पर सेमेस्टर का है। और जो यहाँ पे कोर्स मिलेंगे वो बीटेक कंप्यूटर साइंस में मिलेंगे। यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको 12th में 50% होना चाहिए, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो 45% ही चाहिए। इस लिस्ट का जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। 200 एकड़ का कैंपस है। ये कॉलेज आपका तेलंगाना हैदराबाद में है। 1998 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ की फीस आपका जो पर ईयर का है वो 12,000 के अराउंड है। यहाँ की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फायदा इस चीज का कि ये आपका हैदराबाद में है। यहाँ पे आपको जो बीटेक के कोर्स मिलेंगे वो कंप्यूटर साइंस के मिलेंगे, और साथ ही आपको लेटरल एंट्री का भी कोर्स मिलेगा जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, और वो कोर्स भी आपको कंप्यूटर साइंस का ही मिलेगा। यहाँ पे एडमिशन के लिए 12th में 45% मार्क्स होना चाहिए, और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40% ही चाहिए। यहाँ पे एडमिशन के लिए सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में आपका उर्दू चाहिए ही चाहिए, और उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इस लिस्ट का जो सबसे लास्ट कॉलेज है वो है नागालैंड यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर फिलहाल दो कैंपस है, तीसरा एक टेम्पररी कैंपस भी है जहाँ पे बीटेक का कोर्स आपको मिल रहा होगा। इस यूनिवर्सिटी से 68 कॉलेज एफिलिएट है। 1994 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। ओवरऑल नीर्फ रैंकिंग की बात, 2020 में जो इसको रैंकिंग मिली थी वो 150 से 200 के अराउंड था। यहाँ की जो टोटल फीस है ट्यूशन प्लस हॉस्टल प्लस मेस 4 साल का वो 1.5 लाख के अराउंड है, और जो प्लेसमेंट भी मिलती है वो 2 से 3 लाख अराउंड के ही आसपास मिलती है प्लेसमेंट। तो बहुत कम स्टूडेंट को ही प्लेसमेंट मिलती है, ठीक है, ये समझ लो गिने चुने स्टूडेंट को ही प्लेसमेंट मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे बीटेक में जो आपको कोर्सेज मिलेंगे वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 4th आपका बायोटेक्नोलॉजी, एंड जो लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए बायो इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के जगह पे। 12th में 50% चाहिए और रिजर्व कैटेगरी से तो 45% ही चाहिए एडमिशन के लिए। तो ये थे हमारे लिस्ट के कुछ कॉलेज जहां आप सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद बीटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव हुआ, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओवरऑल अगर बताऊं तो यहां पे जो आपकी ज्यादातर यूनिवर्सिटी है वो प्लेसमेंट कर दे रहा है, तो वो 2 से 3 लाख पर एनम का ही दे रहा है। अब ऐसा भी नहीं है हर स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल रहा है, ठीक है, गिने चुने स्टूडेंट को ही प्लेसमेंट मिल रहा है। अगर फिर भी आपको एडमिशन लेना है तो मैं सजेस्ट कर देता हूं ऊपर के जो टॉप यूनिवर्सिटी लाइक BHU और DU, यहां पे तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर ही सकते हो। आप अपने मार्क्स के हिसाब से आपका जो रैंक आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलेगा। तो ऊपर का जो है BHU DU, इसमें से आप चूज कर सकते हो, ये आपका टॉप का प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहां पे आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगी, एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा और एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, तो यहां पे आप एडमिशन ले सकते हो इन 4 कॉलेज में। इसके अलावा जो बाकी कॉलेज है, बाकी के 5 कॉलेज है, वहां पे आपको प्लेसमेंट की कोई भी गारंटी नहीं है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई पर्सनल डाउट सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, तो जाके फॉलो भी कर सकते हो। कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।